प्रभु यादव जी मेरा सवाल सुन लीजिए ना, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। अगर अपने 30-31 मंत्रियों के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है कि कौन कैसा है, तो फिर अब बिहार तो इतना बड़ा प्रदेश है, समय के साथ बढ़ती जा रही है आबादी भी, फिर बिहार की जनता क्या उम्मीद रखे। आप जिसको कानून मंत्री, आप सुनिए ना सर, जो बड़े बड़े ओहदे होते हैं गृह मंत्रालय का, वित्त मंत्रालय का, जो तमाम स्वास्थ्य मंत्रालय का, इस तरह का कानून मंत्रालय, ये तो बहुत बड़ा बड़ा ओहदा है ना। आरोप तो ये लग रहे हैं कि कानून मंत्री इनको इसलिए बना दिया गया ताकि जितने दागी हैं एक सिरे से सबके दाग ये धो देंगे कानून मंत्री रहते हुए। उस दावे में तो दम लगता है ना बीजेपी के पप्पू यादव जी। अच्छा एक बात समझिए, कानून मंत्री क्या केस वापस ले सकता है? इंटरप्रिटेशन क्यों ऐसा करते हैं आप मैडम? हाईकोर्ट ऊपर में है, सुप्रीम कोर्ट है, हाईकोर्ट जब सदन के सामूहिक मुद्दे पर इंटरप्रिटेशन जब कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का अपना अपनी अपनी बैंडेड है, अपनी मर्यादाएं हैं, उसमें एक अदना सा कानून मंत्री केस खत्म कर देगा, ये सब बिल्कुल गलत है। अरे अदना सा आप यदि कहते हैं कि नीतीश कुमार को क्या कानून मंत्री को आप बता रहे हैं, अदना सा कानून मंत्री, आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? गलत है। बिहार की इतनी बड़ी आबादी का जो कानून मंत्री आप कह रहे हैं अदना सा कानून मंत्री, ये मेरे नहीं बीजेपी के आरोप है, बीजेपी के आरोप है, चाहे वो सुशील मोदी हो, रविशंकर प्रसाद हो, गिरिराज सिंह हो, एक फहरिस्त है बीजेपी के नेताओं के सामने आकर कह रहे हैं कानून मंत्री इसीलिए बनाया ताकि दागियों के दाग धो दे वो। सर मैं एक बात बोलूं मैडम, गिरिराज जी से पूछिए ना कि उन पर कितने केसेस और 4 करोड़ रुपया पकड़ाया कि नहीं, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को? टुन्ना मिश्रा जी और नित्यानंद राय जी के मामले में कोई जानकारी नहीं थी क्या? दोनों होम मिनिस्टर हैं, और भी बहुत सारे लोग का नाम जरूरी नहीं है, मैं आलोचना में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि नीतीश कुमार जी अपने परसेप्शन में और अपने ऊपर दाग नहीं लगने देंगे, अपने परसेप्शन पर वो कोई सवाल नहीं, और यह काम लालू यादव जी और उनके जुबराज जी को भी करना चाहिए। यदि सही मामले में आप यदि ए टू जेड या बिहार के सारे 13 करोड़ जनता के हित चाहते हैं तो कार्तिकेन जी जैसे लोगों को आप माथे पर रखिए, लेकिन कानून मंत्रालय के पदों पर से इस्तीफा लीजिए, ऐसा मेरा मानना है। अभिषेक झा जी, तत्काल इस्तीफा क्यों नहीं ले लेते, क्या मजबूरी है बनाकर रखने की? कोई मजबूरी नहीं है, मैंने कई बार आपसे कहा है कि नीतीश कुमार जी सब सोच समझ कर फैसला लेते, इससे पहले भी कई मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है, उन पर सीरियस एलिगेशंस लगे हैं, तो इस मसले के लिए भी थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज ये मसला पूरा उठा है, मीडिया के माध्यम से भी सामने आया है, हमारे नेता ने बड़ी सावधानी से कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब हर कुछ सरकार की नजर में है, हमारे नेता कह रहे हैं सोच समझ कर फैसला लेते हैं, फिर कह रहे हैं मंत्री के बारे में जानकारी ही नहीं थी, पहले खुद तो तय कर लीजिए कि दोनों में से किस लाइन पर आप आगे बढ़ेंगे। इसी लाइन पर आगे बढ़ेंगे कि भाई अभी जानकारी मिली है, आने वाले समय में जो फैसला होगा वो सोच समझ कर होगा, कोई भी फैसला वो लेते हैं सोच समझ कर लेते हैं। कब तक उम्मीद की जाए अभिषेक झा जी, कब तक उम्मीद की जाए? अच्छा मैडम, इनको तो बेल मिल गया है, कार्तिकेन को कब मिली है बेल, तारीख क्या रही, बेल मिलने की तारीख बताइए, कौन सी 12 तारीख को एंटीसेप्टिक बेल इन्होंने ले लिया है, कौन सी 12 तारीख को कर दिया है, कौन सी 12 तारीख को? इसी 12 तारीख को। और नीतीश जी ने कब बीजेपी से अपना प्रिंट छुड़ाया या अलग किया खुद को, जो वो बोल रहे थे उन्हीं के शब्दों में? बस 12-11 तारीख को ही, 10 तारीख को, 11 तारीख को, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है क्या कोर्ट में भी नीतीश कुमार की चल गई? इसी को लेकर तो सवाल पूछ रही है बीजेपी, आज बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया है इसको लेकर कि आखिर इस पूरे मामले में, देखिए तारीखों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। बीजेपी का ये कहना है कि 12 अगस्त 2012 का ये जो आदेश है जिसमें 1 सितंबर तक रोक लगा दिया गया है कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी पर, ये संयोग है या प्रयोग है? सवाल तो ये बड़ा खड़ा हो रहा है ना, एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ते हैं और जेडी के साथ सरकार बनाते हैं, और 12 तारीख को देखते ही देखते एक व्यक्ति जिसको हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी उसको यहाँ पर आप देखिए अपर जिला सत्र न्यायाधीश से राहत मिल जाती है निचले उस पर। बोले बोले पप्पू यादव जी। मैडम ऊपर ऊपर एक बात पूछूं मैडम, कि बीजेपी पर ईडी का, सीबीआई का, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के जजेस
कई सारे चीजों में राज्यसभा आपने बना दिया, जिस जज को आप लाए, फिर मानवाधिकार बना दिए दीपक बाबू को। हाँ। क्या जज पर आप उंगली उठाएंगे, आरोप लगाएंगे जज पे? आप हमको बताएं, आप सिर्फ इतना सवाल खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से बीजेपी रविशंकर प्रसाद ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं 12 तारीख को लेकर, कि आखिर इस दिन राहत क्यों मिलती है। संजीव चौरसिया जी, पहले आपका जवाब, जो सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं पप्पू यादव जी। रविशंकर जी से पूछिए, पप्पू यादव के जेल बिना केस के 5 महीना जेल में कैसे रखे? बोले संजीव चौरसिया जी, बीजेपी से यही है, इन्हीं से सवाल पूछ ले लेती हूँ। पप्पू यादव जी, आप थोड़ा सा शांत रहेंगे तो वो जवाब दे पाएंगे। दोनों लोग बोलेंगे फिर उनकी आवाज नहीं आएगी। संजीव जी, संजीव संज्ञान कहने का काम किया है, उस बात को स्पष्टता है कि हाईकोर्ट में जब इस बात को रिजेक्ट हो गया तो हाउ कैन ये जो एडीजी 3 के तहत जो बेल देने की जो बात हुई है वो कैसे संज्ञान में लेके हुआ? आज उन्होंने स्पष्टता कहा है जो सबके समक्ष और रिपोर्ट की है। मान लीजिए ना जज प्रभावित होते हैं तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, केंद्र में आपकी सत्ता तो जज आपका और यहाँ नीतीश जी का सत्ता तो जज उसका। मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, आज जहाँ आपकी सरकार है वहाँ जज आपका, आज सब स्वीकार कर ले, कहाँ दिक्कत है? आप तो जज पे आरोप लगा रहे हैं, तो मान लीजिए कि जज बिक गए, डिफेंड कर रहे हैं। आपको गलत है, गलत है कि बहुमत लीजिए किसी और का, चलाइए किसी और का। ये धना धना तरा तनी नहीं चलने वाला, कैसे चलेगा?